उत्तर प्रदेश के गोंडा में एलपीजी सिलेंडर से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही एक के बाद एक सिलेंडर में धमाके होने लगे। सिलेंडर हवा में उड़ते हुए देख लोगों के होश उड़ गए। आग की लपटों ने पूरे ट्रक को अपनी आगोश में ले लिया। मंजर बेहद भयानक था, जिसे देख बीच सड़क पर हड़कंप मच गया। हादसे के बाद करीब एक किलोमीटर तक ट्रैफिक को रोक दिया गया। जब सिलेंडर के धमाके बंद हुए तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया। गनीमत यह रही कि आग लगते ही ट्रक ड्राइवर ने कूद कर किसी तरह अपनी जान बचा ली। घटना कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ गोंडा मुख्य मार्ग की है। गोंडा से राशिद अलवी की रिपोर्ट। जनपद गोंडा के थाना कर्नलगंज क्षेत्र में भभुआ इलाके में एक गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में आग लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर रूट को डाइवर्ट किया गया। दमकल की गाड़ियों द्वारा अथक प्रयास के उपरांत आग पर काबू पा लिया गया है। आग के कारण कुछ सिलेंडरों में ब्लास्ट भी हुआ है। मौके पर आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। जांच में जानकारी हुई कि ये ट्रक लखनऊ के गुडुम्बा से लदकर ये सिलेंडर्स सूर्या गैस एजेंसी जनपद गोंडा में जो स्थित है वहां ले आया जा रहा था। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, पुलिस बल मौजूद है, अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।